से आप लोग उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अवध विश्वविद्यालय से जिन बच्चों को मास्टर या ग्रेजुएशन में न्यू एडमिशन लेना है इस साल के लिए, जैसे मान लीजिए आपका जो भी कोर्स चल रहा है अगर वो कंप्लीट हो जाए और आगे आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आज 30 जून लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपने फॉर्म भर लिया होगा, लेकिन आज लास्ट डेट है तो मैं आपको एक रिमाइंड करा दूं। चाहे आप जो भी एडमिशन लेना चाहते हो, अवध विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको एक नोटिफिकेशन दिया, यहाँ क्लिक करते ही आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उन बच्चों के लिए जो कि आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। ये क्या है, देखिए, जो बच्चे इस सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं 22-23 में, मैं मोस्टली वीडियोज़ बनाता हूँ अवध विश्वविद्यालय के बीएड के विद्यार्थियों के लिए। तो अगर आप बीएड के बाद एमएड करना चाहते हैं अवध विश्वविद्यालय से, तो आपको ये फॉर्म आज फिल करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। यह फॉर्म स्टार्ट हुई थी 18 तारीख को, सॉरी स्टार्टेड फॉर ऑनलाइन UGPG, और 30/6 आज अंतिम तिथि है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन कर लीजिए। एमएड करने वाले बच्चे ध्यान दें, आपकी एमएड की परीक्षा की संभावित तिथि 15-20 जुलाई निर्धारित की गई है। बाकी अन्य जैसे एमएड, एलएलएम, एलएलबी, 3 साल का जो है बी फार्मेसी और डी फार्मेसी, सो इन कोर्स के लिए आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 15-20 में संभावित निर्धारित करी गई है। तो आप ये फॉर्म भर लीजिए, और जो बच्चे एमएड इस साल करना चाहते हैं अवध विश्वविद्यालय से, या फिर अन्य जो भी कोर्स मास्टर में, जैसे मान लीजिए आप मास्टर ऑफ लॉ करना चाहते हैं, एमए आप परफॉर्मिंग आर्ट में करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं जिस भी सब्जेक्ट से, और ख़ास तौर पे मैं बात कर लूँ एमएड वाले बच्चों के लिए जिनके लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूं, तो एमएड वाले बच्चे यहां पे ध्यान से देखें, मास्टर ऑफ़ एजुकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसकी सूचना आपको यहाँ पे दी गई है पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में, मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी एमएड, एमएड करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर लीजिए, आज आखिरी तिथि है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 1000 रुपये फॉर्म फिल का लगेगा, अगर आप SC ST हैं तो आपको कुछ यहाँ पे छूटें मिल सकती हैं। तो प्लीज़ आप ये फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्म प्रोसेस कैसे क्या भरना है इसकी डिटेल्स आप दूसरे यूट्यूब के वीडियोस में मिलेंगे, मैंने इसमें वीडियोस नहीं बनाए हैं। अगर हाँ आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं, अगर कोई समस्या है तो कमेंट में पूछिए, आपकी पूरी सहायता वहाँ की जाएगी। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में बताइए कि क्या आप सच में आगे एडमिट करना चाहते हैं। अगर आपका BEd सेकेंड ईयर है, अवध विश्वविद्यालय में BEd सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, डिग्री नहीं मिली है, लेकिन फिर भी आप फॉर्म भरिए, ठीक है। आप अपीयरिंग पे फॉर्म भर सकते हैं, और जुलाई लास्ट या अगले मंथ तक आपकी पेपर हो जाएगी, तो आप इसको एडमिशन ले सकते हैं, आपका कोई साल ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिन बच्चों का जो एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस बार BEd सेकेंड ईयर में है, वो यह फॉर्म को फिल करें, फॉर्म फिल करिए, एटलीस्ट फॉर्म फिल करिए, फिर आगे देखेंगे कि आपको एमएड करना है चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पैसे कितने लगेंगे वो बात की बात है। लेकिन अगर हाँ थोड़ा सा भी अगर प्लान हो तो एक बार घर पर बात करिए और फॉर्म आज भर दीजिए, ठीक है। दोस्तों फॉर्म कैसे भरेंगे आइए थोड़ी सी इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। आप जैसे ही यहाँ आएंगे एडमिशन के पोर्टल पर आप आ जाइएगा, ठीक है। एडमिशन के पोर्टल पर क्लिक करते ही आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। एडमिशन यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, जो ऊपर का लिंक ऐसे चल रहा था। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टेप 1 पे प्री रजिस्ट्रेशन करिए, क्लिक करिए यहाँ पे, क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। तो आप यहाँ पे नाम भरिए अपना, ठीक है। नाम भरने के बाद आप अपने यहाँ पे पिताश्री का नाम भरिए, और फिर उसके बाद आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करिए, सब कैटेगरी अगर कुछ है तो, नहीं तो NA लिख दीजिएगा, जेंडर सेलेक्ट करिए और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए। आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे डिटेल्स आप भरेंगे। राष्ट्रीयता में इंडियन रहेगी, ब्लड ग्रुप नो लिख दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो यादव लिख दीजिए। कोर्स टाइप में यहाँ सबसे अच्छी बात है कि आपको करना क्या है, ठीक है। कोर्स में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट क्या करना चाहते हैं, तो एमटेक वाले पोस्ट ग्रेजुएट में, सॉरी एमएड वाले पोस्ट ग्रेजुएट में आएंगे, और कोर्स नेम में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि एमएड। एमएड कहाँ है, एमएड नीचे आपको मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड दिखाई देगा, तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एमएड कहाँ चला गया, एमएड आपका ये रहा मास्टर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे टिक कर लीजिए, ठीक है, मास्टर ऑफ एजुकेशन आ गया। अब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते, आप अपीयरिंग में डाल दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर डिग्री नहीं है तो आप अपीयरिंग में डाल दीजिएगा, ठीक है। आपने अपीयरिंग में डाल दिया यहाँ पे, और फी रिलैक्सेशन है यहाँ पे 500 रुपया हियर बाय, लेकिन OBC के लिए यहाँ पे 1000 होगा। एलिजिट पर BA BSc BEd EBIT 500 रुपये, अच्छा चले 500 रुपये है, तो आप यहाँ पे 500 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आधार कार्ड नंबर डाल दिए, ब्लड ग्रुप, तो आप इस प्रकार से फॉर्म भरी फिल करिए, यहाँ पे सबमिट करिए, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। उस रजिस्ट्रेशन आईडी के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा,
या फीस पेमेंट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आनी है, फिर रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करिए, सर्च एप्लीकेशन नंबर, तो यहाँ से आपको आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद सारी प्रक्रिया आगे की देखिए। लेकिन हाँ, मेन सूचना क्या था, सूचना आपको ये देना था कि अगर किसी बच्चे का एमएड में इंटरेस्ट है, एमएड इस साल करना चाहते हैं अवध विश्वविद्यालय से, तो उनकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, बहुत पहले ही आ चुकी है। मुझे उम्मीद था कि आप देख चुके होंगे, मगर आज आखिरी तिथि है इसलिए आज बताना ज़रूरी समझा आपको। तो आप फॉर्म भरिए, बाकी अगर कोई बात हो, कोई प्रश्न हो, इससे रिलेटेड कोई समस्या सुझाव हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। खास रिक्वेस्ट ये है कि क्योंकि आज आखिरी तिथि है इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से कोई किसी बच्चे को याद आ जाए और अगर वो एमएड या कुछ अलग कोर्स करना चाहते हैं तो अपना एडमिशन करा ले और रजिस्ट्रेशन कर ले। इसलिए इस वीडियो को खास तौर पे आप शेयर कर दीजिए ताकि अगर कोई बच्चा छूटा हो, भूला हो और वो करना चाहता हो तो आपकी मदद से, आपकी सहायता से वो इन चीज़ों को उसके ध्यान में आए और वो कर ले। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास या अपने रिलेटिव्स के पास, जिसके पास भी अगर है कोई बच्चा इसमें पढ़ना चाहते हो तो उसके पास शेयर कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।